टच कर ले पर लेकिन सिर्फ पागल हो कुछ नहीं करेगा पता। ओह गॉड हम दो मिनट ऊपर क्या गए क्या बोला याद आ गया हाँ अब याद आया बिन्नू ने बोला था और आज के दिन 12 इयर्स बैक आई लॉस्ट माय डैड। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल द जॉयफुल टच एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और इसे लग रही है धूप एज यूजुअल मेरी आगे खुल जाती है इसकी आगे खुल जाती है क्यों होता है ऐसा। सो टुडे इज नाग पंचमी सॉरी ये लोग पूजा करते हैं तो मैंने कभी पहले कभी ऐसी कोई पूजा का पार्ट नहीं बनी हूँ। मैं भी इतना मेरे को इसकी कोई मेमोरी नहीं है पर इतना है कि जैसे आज के दिन तवा नहीं रखते और राइस नहीं बनेंगे तो ब्रेकफास्ट में अभी नमकीन सेविया बनी है वो खाएंगे। लंच में बनेंगे दाल बाटी इसका फेवरेट और उसके बाद बेहोश होने वाली नींद आती है पूरी तरह से। इवनिंग में बनेंगे सैंडविचेस एंड आई थिंक एक सपेरा आता है यूजुअली गली में और नाग लिखे आता है एक खोपरा राइट फैसिनेटिंग अगर उसके सामने आज के दिन सांप को लोग दूध चढ़ाते हैं उसकी पूजा करते हैं एंड एक्चुअली ना लाइक सद्गुरु से इसकी सांप बहुत ही ज्यादा परसेप्टिव और बहुत ही ज्यादा एनहांस्ड बीइंग है बोलते हैं ना शिव जी के गले के अराउंड और सॉरी फॉर द नॉइस शिव जी के गले के अराउंड और विष्णु जी के भी वो पूरा उनका बेड है ना जिसके ऐसे सांप की वो पूरी होती है इमेज लाइक दे आर गार्डेड बाय स्नेक्स और व्हाटएवर। तो स्नेक और एक योगी बेसिकली या एक स्पिरिचुअल बीइंग की परसेप्शन इज वेरी वेरी हाई तो इसलिए काइंड ऑफ स्नेक से डरना नहीं चाहिए उससे एक्चुअली लाइक बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को है। सॉरी मैं थोड़ा कहीं वो हो गई क्योंकि शोर आ रहा है को पता नहीं था यू वेलकम। नाश्ता तो हो गया हमारा हम देखते हैं कि नीचे क्या तैयारी चल रही है। हो गया आप लोगों का आटा सूखा तो यह देखो ये मोटा आटा यूज करते हैं बाटी के लिए और इसमें डाला है उन्होंने नमक और हल्दी है ना बस क्या दूध काफी आटा तो हो चुका है देखो तो थोड़ा सा और जरूरत थी तो लोगों ने और किया। मैडम आजा भाई प्रसतु व्लॉग बना ले डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कैसे हो आप बड़ी मम्मी बड़े दिन बाद मिले पूजा दीदी नहीं आई और आटा कर रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना बोले से कम है बाकी इसमें पानी डालना है और दूध नहीं डालना थोड़ा सा टाइट बनाता है ये आटा। सारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स आज ही बनाएगा तेरा दादा सर लेफ्ट हैंड चलता है ना इसलिए नहीं होते ला उसी हास मेरा वैसे ही होता मिला रहे हो वो है ना इससे कूटते नहीं है सबने पिंक पिंक पहन रखा है सब पिंक पिंक वो रखे हैं। खैर तैयार देखो ये सूख रही हैं सूख रहे हैं एक्चुअली बाफले और ये लास्ट राउंड और ये अरहर की दाल रखी हुई है सिंपल जैसे हमेशा बनती है बस बिना अदरक के। खैर ये मैं इसके लिए लेके आया हूँ आंवले की सुपारी खट्टी मीठी इज डाउन रॉन्ग टाइमिंग आई वुड से बट बहुत दर्द हो रहा है इसके इसका थोड़ा बेटर फील होता है और उसको ना ये हो जाता है इसको सर्दी भी लगती है गर्मी भी लगती है एक साथ तो उसने फुल पे पंखा चला रखा है मस्त और ये ऊपर ले रखा है ये मस्त लगता है यार वो आई नो लेके जा रहा हूँ अवन देखो सब सामान रखा हुआ है ये ऐसे ले जाऊँ बोलेंगे लोग हैवी है थोड़ा पर कोई बात नहीं चल मैं आता हूँ ना हाँ आओ तो देखो इसको हम वो हटा देते हैं स्टैंड और ये आ गया अवन सीधा बर्नर के ऊपर तो ये पोपट हो गया उल्टा रखा हुआ था मैं को लगा ये सीधा। खैर गैस जल रही है अभी ये थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर इसके ऊपर रखते हैं बाफले
तो यार अभी तो हम लोग ये इस अवन में बना रहे हैं जो गैस पे आता है, पर जब हम लोग मथुरा में रहते थे ना तब हम लोग बनाते थे इसको, जो क्या बोलते उसको कंडे हुआ ना, गाय का जो गोबर होता है उसमें जो पूरी वो परात आती थी, परात में वो कंडे रख के उसको उसकी आंच में इसको सेकते थे, उसका जो टेस्ट आता ना दैट इज लाइक एपिक। वो जो आजकल लोग स्पेशली गांव में जाके खाते हैं। हाँ एक्चुअली वो अपने घर पे करते थे। अभी तो ये खा रही है, इसने स्टार्ट कर दिया, इसको बहुत भूख लग रही थी। क्या तूने टेस्ट किया? अंदर से तो सॉफ्ट होते हैं, बाहर से कड़क, घी डाल के तो बहुत मस्त। आई नो यार, चलो हम भी खाते हैं अभी। दीदी दीदी आ जाना, मैं सोच रहा हूँ उनके साथ ही खाएंगे। चलो कृति को तो दे दे यार, उसको भूख लग रही है, ऊपर बैठी है इसमें। ये लो जी, सॉरी फॉर द मेस, पर ये तो ऐसे ही हो जाता है। अरे यार वो ना थोड़ा दाल सब फैल जाती है ना इधर उधर, हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। बैठ गए सब लोग ये खाना खाने, हम दो मिनट ऊपर क्या गए, सब लोग आ भी गए और बैठ भी गए खाना खाने, गजब। क्या हो गया आज, मुंह क्यों फेर रही है उधर, क्यों फेर रही है? मैंने देखा, मैं यू वर लाइक लुकिंग देयर। वो पहले ऐसे रुक कर खाते हैं, शोर तो आएगा ही आएगा। टेस्टी है एक्चुअली, पर दाल थोड़ी फीकी है, वेरी टेस्टी है। फाइनली ये आए, 4:30 बज गए, बहुत लेट हो गया। कर रहे हैं देखो पूजा, देख जहर होता है क्या इसके? नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ। जहर वाला थोड़ा, हाँ वही ना, ये सब आ गए देखो। ये भी है पहली बार देखा मैंने ऐसे का। कोई लड़की वड़की है आपकी, कुर्ता दू साड़ी दे दो, पहनेंगे साड़ी नहीं पहनी, कुर्ता दू लड़की है दे दो कुर्ता, मैं लकड़ी वाले बारिश तो भोलेनाथ कुछ रखेगा मनोकामना सिद्ध करेगा। देखे तुम्हारा आकर सिंदूर, हाँ वो डब्बी खोली तो ऐसा सुबह से बहुत बार पी लिया होगा ना, क्या मैं सब पकड़ के ध्यान से उसके हाथ पास मत करना, तो पकड़ा हुआ है ना, पी रहा है, कम पी रहा है, कम हो रहा है, हाँ पिया पिया पिया, ध्यान से तो डर नहीं लग रहा, उन्होंने बोला जहर नहीं है तो मैंने कहा फिर क्या जहर बोला, तुम हाथ पकड़ ले, नहीं नहीं हाथ लगाएगा, टच कर ले पर, लेकिन बिन्नी ये देखो उसने टच किया, भाई साहब डर नहीं लग रहा तेरे को? आई नो, कैसे फील हुई इसकी स्किन? गुड, आई नो बहुत अलग है ना। ओए मामा ने टच किया स्नेक को, जो वो है ना जो ऊपर उसके होते ना स्केल्स, उसका टेक्सचर फील हो रहा है। अच्छा चलो यार अच्छा है, हम तो सोचते थे कि मैंने कहा अंदर मिस हो गया। सुनो अम्मा इसको दुआ दे के जाओ, उनका काम अच्छा चल रहा है, इनको दुआ दो बच्चों को, थैंक यू, उनको दुआ दो आनंद्र को बेटा, काम कर रहे हैं दोनों, उनको दुआ, थैंक यू, बस गॉड ब्लेस यू, आपने जो बोला वो कर दिया हमने, बस तुम्हारी दुआ लगेगी, बच्चों दुआ लगेगा, दुआ काम आती, वही तो गिरना मत, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ, आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ना, याद आ गया, याद आ गया, हाँ अब याद आया, बिन्नू ने बोला था कि ऊपर स्टिक्स ले ले, ऊपर से सोया स्टिक्स वो दे दो उसको, कोई और चीज क्या क्या पड़ा अंदर, पैकेट ले आया, सोया स्टिक नहीं है, ये नहीं खाली है, कृति मासी खा गई, इट्स ओके, आप कुछ और खाओगे, आपको चिप्स दे, अरे कुछ और खा ले, क्या खाना है, चॉकलेट ले सकते, चॉकलेट खानी है, चिप्स या पॉपकॉर्न बताओ, मेरे को पहले पता तो होना चाहिए कि मैं खाती, ये देखो ये पॉपकॉर्न, ये कुरकुरे है ना, कुरकुरे, ये चिप्स, चिप्स मारो, चिप्स मारो, चिप्स हां, चॉकलेट भी है बेटू, चॉकलेट खाने, अंकल चिप्स खाने, और बस इतना ही है, अंकल चिप्स खाने, अंकल चिप्स खाइए, आई नो, चॉकलेट चाहिए, हैं मारो, नहीं नहीं भागी, धीरे कुत्ती तो खा दो, लव यू, टेस्टी खत्म हो गई, इसमें चिप्स ले, पापा उसके ना चाय बनाएगा, चाय पीनी है मामा,
पीनी नहीं है, बनाने को पूछ रही है वो, बनाने को बोल रही है। बना देता हूँ, आता हूँ। हाँ बना दूंगा। चलो जाओ नीचे, ध्यान से। बाय। हेलो, बाय। तो ये आई थी ना ऊपर मायरा, आपने देखा पहले मैं उससे पूछा था कि क्या हो गया, बात क्यों नहीं करती मेरे से, या क्यों नहीं आती बैटरी। उसने बोला था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, एंड ऐसे कह रहा है, आई डोंट नो मैंने उसका ब्लॉग बनाया था नहीं बनाया था, पर उसने शायद बनाया था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। एक एडल्ट क्या है तुझे? I was just sitting there and like thinking the way she was talking to her na, ki wo to video nahi banaya us time pe, phone charge pe tha, they were just talking and she like, main usko dekhta like she always know what to ask. I don't know how you have that, but how you have that? Wo usse aise sawal puch rahi hai usse ki aise comfort dena bachche ko, exactly, by sharing your own. एंड शी इज शेयरिंग लाइक एन एडल्ट। हाँ, किस वजह से कभी पूछे कि ऐसे होता है कि आपके पास आपके दोस्त नहीं है तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता खेलने को, या खेली होती है ये वो, लाइक यहाँ एंड लाइक शी इज प्रॉपर्ली सैड से ना, बिल्कुल ऐसा उदास उदास ही बात करे, जवाब दे रही है यूं करके, एंड देन शी स्नैप्स कुछ और बात करते हैं, हम लोग करते ना बड़े लोग, डिनाइल में चले जाते हैं, कुछ और बात करते हैं, एंड देन शी वाज कंप्लीटली आउट ऑफ दैट फेज है कि मैं क्यों आई थी ऊपर, और सैड में बोलूं सैड हुई तो हंस रही है, आई नो, तो मैंने कहा स्माइल से नहीं होगा, आप सैड दिख रहे हो तो भी ऐसे अगर आप लाइक, और शायद ना थोड़ा सा फर्क है, हम ना अब अवेयर होते जा रहे हैं जैसे जैसे, आई कुड सी थ्रू हर, लाइक शी इज अ वेरी लाइक अ टाइनी बॉडी बट द सोल इन साइड हर ना इट्स लाइक अ कम्प्लीटली ग्रोन अप सोल, कि उसको पता है बात वो ऐसे ही कर रही है, लाइक शी इज जस्ट 5 यार, लाइक शी इज गोना बी 5 नेक्स्ट मंथ, बट शी इज टॉकिंग लाइक एन एडल्ट एंड लाइक सो फैसिनेटिंग। बट यार क्या लाइक देखे थे हम लोग, वो लग रहा था सच में फैसिनेटिंग लग रहा था, हाँ प्राउड भी और ऐसा सरप्राइज्ड भी और ऐसा हैप्पी भी होगा, लाइक इसका कैसा कनेक्शन है, एंड शी नोज व्हाट टू आस्क एंड लाइक यू नो व्हाट टू से हाउ टू टॉक, एंड लाइक इवन इफ शी इज लाइक ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, इसने उसको खींच लिया, ऐसे खींच लिया, जो थेरेपिस्ट होता है ना, लाइक साइकोलॉजिस्ट चाहिए पूरी, कॉन्शियसनेस इज देयर। हम हमेशा सोचते हैं कि छोटा है तो उसको इतनी अकल नहीं है या अभी उतनी समझ नहीं है, जबकि उसको बहुत समझ होती है, हर छोटे बच्चे को अपना सही गलत या जेन्युइनली उससे कोई चीज पूछोगे ना इस सिचुएशन में, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट थिंग टू डू, द पर्सन यूजुअली विल चूज द राइट थिंग टू डू इफ यू जस्ट लेट देम डू दैट, यू नो, बिकॉज़ दे आर काइंड, दे आर एम्पैथेटिक। जैसे अभी उसने क्या बोला, ये क्या मैंने कहा ना, मैंने सोया स्टिक खा लिया, तो मैंने उसको सॉरी भी बोला प्यार से, क्योंकि मुझे पता है कि उसका मन होगा खाने का, इट्स ओके, क्यों तो मैंने किसको बुरा नहीं लगा, बिल्कुल यू आर टर्न किचन में चली गई कि हां कुछ और लेती हूं मैं, कुछ और खा लूं, आई टू लाइक नहीं हूँ या उसको मेरी जो हल्की सी, ताकि मैंने तो क्लीन शेव हूँ फिर भी उसको कहीं ना कहीं ब्लैक दिख रहा है, तो शीज लाइक नहीं दाढ़ी आपकी, बट उसका मेन रीजन दैट शी फील्स अलोन, उसके फ्रेंड्स नहीं आते, शी इज लाइक सेइंग एवरीथिंग यार, कि मम्मा काम कर रही होती है, पापा बिजी होते हैं अपने काम में, दीदी कभी आ जाती है कभी भूल जाती है अपने काम में होती है, कभी मम्मी का, हाँ कभी मैं भूल जाती हूँ, लाइक यार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट लाइक दैट वाज लाइक वेरी वेरी फैसिनेटिंग ऑनेस्टली। And one more thing, I would just suggest ki ask intelligent questions to the children instead of just asking them to, you know, recite a poem or repeat something ki ABCD sunao, ya ye gana ga ke sunao, dance karke sunao. These things are important. If a child really likes to do them, you should like ask them to do it, but ask them intelligent questions. कभी कभी ना आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं बच्चे, ट्रू ट्रू, और कैसे दे सकते हैं, कभी इतना सिंपल था, बिकॉज़ दैट्स द वॉइस ऑफ योर हार्ट, प्योर, दे आर सो इनोसेंट, दे आर नॉट अभी फिल्टर्ड बाय द वर्ल्ड इन लाइक ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड जो भी आती है ना। तो आज का मैंने जैसा दिन सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं जा रहा, एंड ज्यादातर इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई गॉट डाउन, मुझे बहुत पेन होने लग गई। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अनदर व्लॉग टूडे, जो मैंने थोड़ा सा शूट किया था सुबह बिफोर आई गॉट डाउन, बट देन उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो आई थिंक आई विल शेयर सम ऑफ व्हाट आई वाज सीइंग इन दैट व्लॉग इधर ही, सो दैट यू नो एटलीस्ट आई शेयर हाउ आई एम फीलिंग। टुडे इज 13th ऑफ ऑगस्ट,
और आज के दिन 12 years back I lost my dad and this day is kind of heavy for me and my family. अभी मेरे लिए और ज़्यादा difficult है to be honest because I'm not with my family. I am here and they are in Delhi. तो yeah I am missing them. तो काश उनके साथ होती तो थोड़ी बातें हो जाती अच्छी, थोड़ा हम पापा को याद कर लेते. But it's okay. I didn't want to you know be sad. But वो unfortunately मैं down हो गई तो मेरी energy थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे low हो गई है, थोड़ी low हो गई है. But other than that I don't want to be sad. I just wanted to you know celebrate him today in some ways. Yes, I'm still grieving. My family is still grieving. There are days when we are probably better, but then there are days when we feel sad. We miss him because we know that he won't be there for the good things, for the bad things, for the milestones and for my journey, my brother's journey and my mom's journey. Wo lagta hai sad, but yaar life and death ek hi sikke ke do pehlu hain. So we all need to accept it, we all need to embrace it. Some of you who are watching this video right now must have lost somebody close to you and you know how that feels. And my dad was so young, he was just 45 years old. But yeah, I also know that somewhere his soul is at a better place. He was really really sad and broken when he was here and I don't wanna like delve into you know sad part. I know he was an amazing human being and I am so lucky to be born into this family with the set of parents that I have, blessed to be the kind of person that I am. Aur main ye insaan tabhi ban payi hu kyunki main is ghar mein paida hui thi, in circumstances ke sath paida hui thi. So I cherish everything. There are days jab thoda zyada ho jata hai mere liye to work on healing my wounds, but it's okay. I am much 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 stronger than any of it. तो आज वैसे तो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट मैं गुरुद्वारे जाऊंगी बिकॉज पापा को गुरुद्वारे जाना बहुत पसंद था. लाइक देयर इज दिस गुरुद्वारा इन तिलक नगर. कोई दिल्ली से अगर ये व्लॉग देख रहा है तो उन्हें पता होगा फतेह नगर के गुरुद्वारे में हम जाते थे ट्यूजडे को, क्योंकि ट्यूजडे की बहुत मान्यता थी. तो हम लोग ऐसे शाम रात को जाते थे हमेशा गाड़ी से और वहाँ पे लंगर भी कभी कभी करना, नहीं तो वो कड़ा प्रसाद मिलता था. तो इट यूज टू बी रियली रियली गुड. आई मिस दोस टाइम. मेरी स्किन इतनी शाइन कर रही है एंड दिस इज ऑल द ऑयल. तो मेरी स्किन बहुत ऑयली है. एनी वेज एक और अच्छा मेरे को मोमेंट याद है पापा के साथ का. जब मुझे ना उन्होंने अपना जब उन्होंने ना मुझे मेरा फर्स्ट फोन गिफ्ट किया था वो नोकिया 1600. तो ही वॉज जस्ट वेरी प्राउड ऑफ मी क्योंकि मेरे शायद मार्क्स वार्क्स अच्छे आते होंगे. सो आई डिडंट इवन आस्क फॉर अ फोन बट स्टिल ही गॉट वन फॉर मी एंड इट वॉज अ सरप्राइज. तो उन्होंने क्या किया, ऑफिस से जब आते थे वो बैंक से तो आई थिंक 6-7 बजे जब भी आए तो ही टोल्ड मी टू गेट समथिंग फ्रॉम द डैशबोर्ड ऑफ आर वैगनर. तो उन्होंने कहा डैशबोर्ड में से वो निकालना कुछ पता नहीं कोई सामान निकालना. तो आई वेंट देयर एंड तो कुछ पेपर वेपर थे शायद तो मैंने निकाल लिए और मैं ले आई और मैंने दे दिया. तो फिर वो बोलते कि बुद्धू और कुछ नहीं लिखा तुझे डैशबोर्ड में. मैंने कहा है. देन ही एक्चुअली टुक मी अलोंग एंड उन्होंने उसमें से वो छोटू सा डिब्बा होता है ना जैसे मोबाइल का वो निकाला व्हाइट कलर का और वो मेरे को दिया एंड आई वाज ऑल जंपिंग विद जॉय और यू नो फर्स्ट फोन एंड ऑल दैट. तो या दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल मेमोरी विद हिम. माय डैड वाज सच अ सेंसिटिव सोल. ही वाज सो इमोशनल एंड आई थिंक मेरे अंदर ये क्वालिटी वहाँ से भी आता है स्पेशली फ्रॉम माई पेरेंट्स. बोथ माई मॉम एंड डैड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, वेरी काइंड टू पीपल. सो आई एम लाइक एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस क्वालिटी इन मी दैट आई वैल्यू इमोशंस, आई चेरिश पीपल, आई वैल्यू देम एंड आई लाइक अंडरस्टैंड पीपल इन अ वेरी डिफरेंट वे. जैसे अभी जय ने भी बोला ना मायरा वाली बात कि उसको तूने कितने अच्छे से हैंडल किया. आई थिंक इट कम्स नेचुरली बिकॉज आई रिस्पेक्ट पीपल्स इमोशन, आई रिस्पेक्ट माई ओन इमोशन. I've learned to respect them. For a long time I have not respected them enough, but now I take a stand for myself. I honor my feelings, I sit with them, I cry like anything. I love crying. Crying is a big stress buster for me. So yeah, that's a little about me and you know my heritage. यार लेट तो बहुत हो गया पर अब हम लोग खा रहे सैंडविच. ऑल राइट तो यार बस सैंडविच बन गए, मैं भी खाने लगाऊंगा. अब 10:30 का टाइम हो रहा है. देखो कृति और मेरी बहन ऊपर हैं, वो लोग कुछ बात कर रहे हैं. अभी सैंडविच उनको ऊपर ही दे. मैं तो बस एक खाऊंगा क्योंकि भूख है नहीं ज्यादा, पेट भरा हुआ और नींद आ रही है मेरे को जबरदस्त क्योंकि मैं 4 बजे का उठाऊँ और बिल्कुल नहीं सोया उसके बाद से. अब पूरा दिन ऐसा ना एकदम हेक्टिक सा हो गया है उससे. सो एनीवे आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक द व्लॉग एंड सब्सक्राइब इफ यू लव्ड इट. होप दिस वीडियो टच्ड यू जॉयफुली. मेरे बोले से फील नहीं आती बट इट्स ओके. अभी वो लोग ऊपर है तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करते. सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग एंड सी यू टुमारो एट 11:11. बाय.